अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग कैरियर से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन, तो उसके लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से 9 क्लास का स्टार्ट किया था, उसी तरीके से मैट्रिक क्लास को भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरे बोर्ड के ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, अगर आप फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हो और आपको मैट्रिक के क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आपने अपना नाम, अपना क्लास लिखना है और साथ साथ अपने बोर्ड के बारे में लिखना है। मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलो, वक्त को जाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके का होता है, उसको डिस्कस करने के बाद सवालात को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये जो ये ए बी सी है ना, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास स्टूडेंट कोफिशियंट की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, कोफिशियंट या फिर कॉन्स्टेंट टर्म देख लो, मतलब कोई भी नंबर्स होते हैं ना, वो ए की जगह, बी की जगह और सी की जगह पुट हो जाती है। हमारे पास जो वैल्यूएबल होता है एक्स, याद रखना एक्स तो यहाँ पे भी एक्स ही हो, ठीक है, कोई दूसरा वेरिएबल ना हो, एक्स वाई ना हो, एक्स और एक्स ही हो। तो ऐसे टर्म को, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं ए की जगह 2x का स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 4x लिख देता हूँ और प्लस का c की जगह लिख देता हूँ स्टूडेंट a, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक की हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर के बाद स्टूडेंट पावर 1 की टर्म है, और आखिरी टर्म क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट विदाउट एक्स की टर्म है। मतलब पहले एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है, और फिर एक्स की पावर 0, मतलब 1 के बराबर है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर कोई टर्म लिखी भी होती है, तो उस टर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट। और साथ साथ याद रखना, जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, कर्व से हमारे पास ग्राफ बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला सवाल जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर स्क्वायर के बाद स्टूडेंट क्या लेकर आने, फिर मेरे पास लेकर आने आपके पास एक एक्स वाली टर्म, और फिर आखिरी में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म। तो स्टूडेंट, इसी फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है, सवाल सॉल्व करने से पहले जो तरीका होता है मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करने का, कि आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को एक दफा उतार लेना है। तो मैंने क्या करा, इस सवाल को एक दफा स्टूडेंट उतार दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई का तरीका कि जो पहली टर्म है वो स्टूडेंट एक दफा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर जो दूसरी टर्म है वो एक दफा बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इक्वल टू 5। याद रखना, ये तरीका आप 9 में पढ़ करके आयोगे, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने बस घबराना नहीं है, फिक्रमंद नहीं होना, मैं इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो आपने क्या करना है, बस लेक्चर को देखना और समझने की कोशिश करनी है, कि पहला जो नंबर है उसको वैसे लिखूंगा, दूसरा दोनों नंबर को साथ लिख दूंगा, फिर प्लस का 5 का, फिर दूसरे नंबर को साथ लिख दूंगा। स्टूडेंट, एक्स एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स थ्री का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का 3x, ठीक है। प्लस 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 5x का क्या होता है स्टूडेंट, 5x प्लस माइनस माइनस 5 3 का कितना होता है 15, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 वैसे उतर जाएगा। अब स्टूडेंट इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5x, दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों में पावर सेम है, जब पावर सेम होता है तो ही वो प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, ठीक है। तो बेटा 3 में से 5 में से 3 जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, प्लस का 2x और माइनस का 15 इक्वल टू 5। बेटा ये 5 ही इक्वल टू के पहले ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 प्लस का इक्वल टू के बाद आ जाएगा माइनस का 5 हो गया। याद रखना स्टूडेंट, अगर इक्वल टू के बाद प्लस हो रहा होता है तो इक्वल टू से पहले आके वो माइनस हो जाता है, अगर इक्वल टू से पहले माइनस हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
अगर इक्वल टू से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाता है, और अगर इक्वल टू से पहले आकर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट इसका मेरे पास आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का फाइव माइनस का फिफ्टीन किसके बराबर होता है, माइनस के ट्वेंटी के। तो स्टूडेंट ये देखो ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर आ गया, क्यों, पहली टर्म स्क्वायर वाली, दूसरी टर्म एक्स वाली और तीसरी टर्म कॉन्स्टेंट। तो हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। चलो आज आप इसका इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। अब जरा क्वेश्चन नंबर टू को गौर से देखना, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब मेरे पास ऐसी टर्म आ जाती है ना स्टूडेंट, तो हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिखूंगा स्टूडेंट सबसे पहले सवाल को वापसी से उतार दूंगा सोल्यूशन लिखने के बाद, कि मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस का निशान 2x का 4 का होल स्क्वायर बराबर है किसके स्टूडेंट, 7 के। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको फॉर्मूला में ओपन करेंगे तो लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जबकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट क्या, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, लेकिन एक माइनस वाला है और दूसरा कौन सा स्टूडेंट प्लस वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसी तरह से लिखेंगे, सबसे पहले माइनस वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान 2, a की वैल्यू क्या बेटा x है, b की वैल्यू क्या बेटा 5 है, तो 5 लिख दिया, और आखिरी में क्या होता है प्लस का बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया, माइनस का निशान लगाया, इसको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दो क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है स्मॉल ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है। दूसरे में बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ और इसमें प्लस वाला फॉर्मूला क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर, तो लिखूंगा 2x का स्क्वायर प्लस फिर 2, a की वैल्यू क्या बेटा 2x है तो क्या लिखूंगा 2x, और b की वैल्यू क्या बेटा 4 है तो क्या लिखूंगा 4 प्लस का निशान और आखिरी में 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया और फिर इक्वल टू के बाद क्या है बेटा 7 है तो मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। सिंपल सा था ना, आसान था ना, मुश्किल नहीं था ना, हो रहा है ना सॉल्व, चलो करते हैं सॉल्व। अब क्या करेंगे बेटा x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 5 का कितना होता है स्टूडेंट 10 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 25 होता है, तो मैंने 25 लिख दिया। बेटा माइनस का निशान हमेशा मल्टीप्लाई होता है तो मैंने ब्रैकेट में ही लिखा है इसको। बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा प्लस 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 होगा, प्लस लिख दिया 2 2 4 4 2 4 4 4 16, तो 16x हो जाएगा, प्लस 6 6 4 4 16 होता है और ये 7 हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बेटा इस माइनस को भी यहाँ पे क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो आज मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 माइनस प्लस माइनस का 4x का स्क्वायर होगा बेटा, माइनस प्लस माइनस का 16x होगा, माइनस प्लस माइनस का 16 होगा और इक्वल टू 7 होगा। अब बेटा जितनी भी टर्म है ना उसको एक साइड लेकर आ जाऊंगा ताकि मैं क्या कर सकूं उसको आराम तरीके से सॉल्व कर सकूं, तो इन सबको इक्वल टू से पहले लेकर आ जा रहा हूँ, 7 जो ये भी पहले आ जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, x बराबर है किसके स्टूडेंट, सॉरी x का स्क्वायर है ना, देखो ये x का स्क्वायर है माइनस 4x का स्क्वायर है, तो 4 में से 1 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा माइनस का 2x का स्क्वायर बचेगा। सही बात है बेटा, माइनस का 10x है और माइनस का 16x है, तो माइनस का 10 माइनस का 16 क्या होगा, माइनस का 26x हो जाएगा। सही है बेटा, प्लस का 25 है माइनस का 16 है, 16 में इतना कितना प्लस करूंगा स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाए 25 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक ठीक है, तो मैं प्लस का 9 लिख देता हूं और इक्वल टू 7, इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले आओ तो माइनस का 2x का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 26x प्लस का 9 और माइनस का 7 इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दिया। अब बेटा मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 26x का स्क्वायर माइनस का 26x, 9 में से 7 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का बेटा 2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, चाहो तो स्टूडेंट इन तमाम वैल्यूज को इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर इक्वल टू के बाद लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 26x हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं क्या कर लूँ स्टूडेंट माइनस को कॉमन भी ले लूँ, ठीक है, अगर माइनस को कॉमन ले लूँ या इक्वल टू के बाद ले जाऊँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हो स्टूडेंट इसको यहाँ पे आंसर लेके आना यहाँ पे लेके आना, अगर बुक के अंदर स्टूडेंट इसके आंसर कुछ और है तो 2 को कॉमन लिया हुआ होगा, अगर 2 को कॉमन ले लेंगे और मैं लिख देता हूँ, अगर 2 को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 3x और माइनस का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0।
ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिया था स्टूडेंट, इसमें से टू कॉमन लिया था, टू को जाकर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही आंसर क्या है स्टूडेंट, इसी का है। अगर बुक में इस तरह से लिखा हुआ है तो भी सही है, अगर उस तरह से लिखा हुआ है तो भी सही है। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास जो सवाल है, ये वाला सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट मैंने इस तरह से यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दिया ताकि मैं यहीं पर सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वाइज हमको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो x को x से करूंगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और x को 1 से करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। अब इसको भी उठा के उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का तो उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, एक्स माइनस माइनस होगा, मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, सी वाली वैल्यू नहीं है, तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हो माइनस का 2x प्लस का 0 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का 0 एक्स रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म जो है स्टूडेंट मेरे पास क्या है वो 0 है। तो ये मेरे पास आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ताकि पास रिवाइज टर्म आपके पास आ जाए। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास कौन सा है, मिडल टर्म ब्रेक मेथड। मिडल टर्म ब्रेक मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, कि हमारे पास जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अलहदा करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं और फिर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट आज जो इसको देख लेते हैं, तो मेरे पास जिसमें जो पहला सवाल है, पहला पार्ट है, वो आई थिंक सो ऑलरेडी मिडल टर्म ब्रेक हुआ हुआ है इसका। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस का 4 किसके बराबर है 0 के। तो बेटा इसको आइडर और कर लेना कि x माइनस 1 बराबर है 0 के, x माइनस 4 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4। तो मेरे पास ये दो वैल्यू आई है x की, x माइनस 1 और x माइनस 4। बेटा इस वाली टर्म को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो पार्ट नंबर अगर 2 को सॉल्व करना चाहते हो स्टूडेंट, तो मेरे पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बेटा ये वाली टर्म है ना, ये मेरे पास फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर के। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस का निशान प्लस b की वैल्यू क्या बेटा 1, तो क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस का निशान 2, ए की वैल्यू क्या बेटा x और b की वैल्यू क्या है 1। तो जरा इसको सॉल्व करो, देखो वही सवाल दोबारा बन रहा होगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा, गौर से देखो, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 2 1 का क्या होता है माइनस का 2 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो मतलब वही सवाल दोबारा बन जा रहा है। तो बेटा ये सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हैं। तो मैं इसको फॉर्मूला में क्लोज कर दूंगा कि a माइनस बी मतलब x माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर स्टूडेंट 0 के। मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे वैल्यू चाहिए इसको x की, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड रूट लगा दूंगा, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट और एक दफा 0 के ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 0। बेटा रूट 0 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, माइनस का 1 इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो ना, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस बना करके प्रोवाइड करते ही रहूं। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करना है, इसके अंदर मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा। तो मैं इस वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इस वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वाले हिस्से में ही तो सॉल्व करवा रहा हूँ ना आपको, क्या चीज आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा अब इसका मैंने यहला सवाल करवा दिया, यहला सवाल करवा दिया, आप ये करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट जो सवाल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब बेटा मैं आपको सिखाऊंगा मिडिल टर्म ब्रेक कैसे लेते हैं, ना तो ये फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है, ना तो ये फैक्टराइज पहले से हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें अपने जहन में बिठा के रखना है कि कैसे करते हैं, याद रखना जो भी आखिरी वाली टर्म, जो भी कोफिशिएंट वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म होती है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है, स्क्वायर के साइड वाली जो टर्म लिखी हुई होगी ना, जो भी नंबर लिखा हुआ कोफिशिएंट लिखा हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा यहाँ पे मेरे पास 1 लिखा हुआ जो छुपा हुआ है, तो 8 1 सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 1 सा 8। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट 8 का एलसीएम लूंगा, 2 4 सा 8
2 2 4 2 1 2। तो बेटा अब ये जो मेरे पास आ गया ना, अब मैं इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसमें कि अगर मैं उसको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब जरा गौर से देखना, मैं आपको बता रहा हूं, 2 2 4 4 2 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 8 और नीचे 1 है। अगर 8 में से 1 माइनस कर दे तो मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट, 7। और मुझे 7 लेकर आना है, लेकिन मुझे माइनस का 7 लेकर आना है, तो माइनस का 8 लिखूंगा प्लस का 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मिडल टर्म ब्रेक निकालने का ये तरीका होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करके ऐसी वैल्यू लेकर आनी होती है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है, अगर सेम वैल्यू आ गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट गौर से देखना, मैं क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर लिखूंगा, माइनस का निशान लगाऊंगा, 7 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 8, और एक्स जो लिखा हुआ है एक्स को वैसे लिख दिया, फिर क्या लिखा बेटा, प्लस का 1, तो 1 की जगह क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख दूंगा, ठीक है। और माइनस का 8 इक्वल टू 0। बेटा अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से बेटा मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। तो मैंने एक्स कॉमन लिया, इस एक्स से ये एक्स कटा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स बच गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इस एक्स से ये एक्स कटा तो क्या बच गया बेटा, 8 बच गया। मिडल टर्म ब्रेक लेने तरीका क्या होता है कि जो भी मिडल टर्म ब्रेक लिया वो एक दफा इससे डिवाइड होगा जो बचेगा वो लिखा जाएगा, फिर एक दफा इससे डिवाइड होगा जो बचेगा वो लिखा जाएगा। बेटा इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो हम लोग प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि 1 को अगर डिवाइड करोगे तो वही आएगा, 1 को डिवाइड करोगे तो वही आएगा। अब जरा देखो गौर से देखो, दोबारा से मेरे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 8 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। अब इसमें क्या करना होगा हमें, इसको आइडर और कर लो, x माइनस 8 बराबर 0 के, x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू 8 आ गई प्लस में और x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो ये दो वैल्यूज आ गई रूट की, और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, 4 भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा मिडिल टर्म ब्रेक लेकर के, ठीक है। तो मैं याद है इससे को मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे के सवाल सॉल्व कर सकूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है। जिस तरह से देखो, लास्ट टर्म हमने ये टर्म लिखी थी, ठीक है, और ये वाली टर्म है, तो इस वाली टर्म में स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें फार्मूला में लगा लेंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारे पास ना ये सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसको फार्मूला में ओपन करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को वापसी से लिखेंगे। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसी में ही क्या करना होगा स्टूडेंट, फार्मूला लगाना होगा a माइनस b का, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ लिख दूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब याद रखना, ये a है और ये मेरे पास b है, ठीक है, ये a है और ये क्या मेरे पास b है। तो स्टूडेंट इसको किस तरह से लिखेंगे, ये x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 मैंने वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, को फार्मूला में ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, माइनस का निशान, फिर 2 लिखते हैं, फिर a की वैल्यू क्या बेटा 2x है, 2x लिख दिया, फिर b की वैल्यू क्या बेटा 7 है, 7 लिख दिया, फिर प्लस का निशान और फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला में मैंने इसको ओपन कर लिया आपके सामने। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, मजीद सॉल्व करना होगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर है 2 2 का कितना होता है 4, और x के ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, x का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास माइनस का निशान है, मैंने माइनस लगाया, अब क्या लिखूंगा, 2 2 4 और 4 7 का मेरे पास कितना होता है, लाइक 49, ठीक है, सॉरी 2 2 4 और मैं 4 7 का कितना होता है मेरे पास 28 होता है ना, तो मैंने इसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने 28x, ठीक है, और 7 7 का कितना होता है 49 होता है, तो ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको उठा के इक्वल टू के बाद लीजिए, क्योंकि 4x बड़ी वैल्यू है ना, मुझे पॉजिटिव रखना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन तमाम वैल्यू को इक्वल टू के बाद लेके जाता हूँ। तो 4x का स्क्वायर है बेटा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये बेटा माइनस का 28x है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो माइनस है, तो मेरे पास ये प्लस हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये माइनस का 4x है ना, तो इसको मैं अगर इक्वल टू के बाद लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जाहिर है प्लस का हो जाएगा, तो क्या ले दूंगा, प्लस का 4x लिख दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 49 है और माइनस का स्टूडेंट क्या है 4 है, और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो मैंने इसको भी आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया।
अब क्या करना होगा, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 28 में से 4 जाएगा तो बेटा माइनस का 24x होगा। ठीक है, और प्लस का निशान है बेटा, प्लस का 49 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 45 बचेगा और 0। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक लेना है। तो स्टूडेंट जब इसका मिडिल टर्म ब्रेक लेते हैं तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे, जैसे 135 आ रही है। ठीक है, तो इसका फिर क्या लोगे स्टूडेंट, एलसीएम लोगे। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम लोगे ना, तो मेरे पास जो वैल्यू इसका मिडिल टर्म बन के आएगी वो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का 15x और माइनस का 9x। ठीक है, 9x का 15x और माइनस का 9x, दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का क्या आ गया, 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना है मुझे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 और x भी कॉमन आ रहा है तो x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, 3x मेरे पास कॉमन था, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे छोटा सा x भी लिखा है। ठीक है, चलो दिखेगा नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ, 3x मैंने कॉमन ले लिया, मेरे 3x से 3x कैंसिल आउट हुआ, 1x बच गया, तो यहाँ पे 1x लिख दूंगा। माइनस का निशान, इस x से ये x कैंसिल आउट हुआ, 3 1 3, 3 की टेबल कितनी पढ़ूँ कि 15 आ जाए, 3 5 15। ठीक है, इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का अगर देखा जाए तो मेरे पास 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाए, माइनस माइनस प्लस, 9 से 9 करो तो क्या बच गया, x बच गया, 9 प्लस फिर से माइनस, 9 5 45, तो मेरे पास 9 5 दफ़ा बढ़ने से क्या आता है, 45 इक्वल टू 0। तो भैया दोबारा से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5, तो क्या कॉमन ले लूँगा, x माइनस 5 और बचेगा क्या, 3x माइनस का 9। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास आयरन एंड और कर लेते हैं, तो x माइनस 5 बराबर है 0 के, 3x माइनस 9 बराबर है स्टूडेंट किसके, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, जबकि 3x की वैल्यू 9 होगी, और 3 को जाके डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 9/3, 3 1 3, 3 3 9, तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये इतना सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इसको हमने इस तरह से इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 5 आ गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लैंडी सा लग रहा होगा आपको, लेकिन इतना लैंडी नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, अब मुझे ना इसको फार्मूला में ओपन करना होगा, तो मैं लिखता हूँ 2x मतलब a का स्क्वायर, तो 2x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर, प्लस का निशान, फिर 2 लिखते हैं, a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2x है, जबकि b की वैल्यू क्या है, 7/4, तो क्या लिख दूंगा, 7/4 लिख दूंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा गौर से देखना, अब आखिरी में क्या होता है, बी का स्क्वायर मतलब 7/4। ठीक है, दोनों में स्क्वायर लगेगा, फिर इक्वल टू के बाद क्या है बेटा मेरे पास 48x का स्क्वायर प्लस का 529 डिवाइडेड बाय 16। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया बेटा, 2 2 4 होता है, इस 4 2 से ये वाला 4 क्या हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास दोनों की वैल्यू 4 थी। ठीक है, 2 2 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4x का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का 7 बच रहा है, क्या बच रहा है, प्लस का 7, तो मैं क्या लिख दूंगा, 7, और ये x भी बच रहा है, यहाँ पे लिख दूंगा 7x बच रहा है। ठीक है, फिर प्लस का 7 का कितना होता है स्टूडेंट, 49, 4 का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख दिया, ये 48x का स्क्वायर प्लस 529 वैसे ही लिखा है स्टूडेंट, 16 भी सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि इन सब के नीचे 1 1 छुपा हुआ है, तो मैं 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे क्या होगा, इन सब के साथ एलसीएम लग जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं कर देता हूँ, 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास कितना आएगा, 64x का स्क्वायर, 16 को अगर 7 से करोगे स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा, बता दो क्या आ जाएगा, अगर मैं 16 को क्या करूँ स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करूँ 7 से, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 112x। ठीक है, तो 112x आ जाएगा। ठीक है, और 49 को क्या करता हूँ स्टूडेंट, वैसे ही लिख देता हूँ और नीचे 16 वैसे ही आ जाएगा। याद रखना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, 49 के नीचे तो ऑलरेडी ये मौजूद था। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से आपके सामने को शो करवा दिया है, और यहाँ पे बेटा 48x का स्क्वायर प्लस 529 और नीचे क्या आ जाएगा, 16। जब भी इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद अगर सेम वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में, तो वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ से 16 से 16 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 64x का स्क्वायर प्लस 112x प्लस का 49 बराबर है 48x का स्क्वायर प्लस का 529। अब स्टूडेंट देखो, x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी किधर है, ये वाली बड़ी है, तो
मैं यहाँ वाली टर्म को इधर लेकर आऊँगा, क्यों? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए होती है, ठीक है? तो ये 64 एक्स का स्क्वायर है, इक्वल टू के बाद 48 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 48 एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस का 112 एक्स है बेटा, इसको वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होगी, फिर प्लस का 49 है बेटा, यू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 529। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं सर ये बड़ी वैल्यू है तो हम लोग इसको उधर ले जाएंगे, आखिरी में लेकर इधर ही आना है सबको, ठीक है? तभी मैं सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म देखता हूँ कि वैल्यू किसकी बड़ी है, तो वहाँ पर वो तमाम टर्म को लेकर आता हूँ, ठीक है? अब स्टूडेंट इसको माइनस कर लेते हैं, अगर 64 में से स्टूडेंट 48 जाएगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या बचेगी? अगर 64 में से 48 को मैं माइनस करूँगा तो आई थिंक सो 16 बचेगी, ठीक है? क्या बचेगी? 16 एक्स का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे प्लस का क्या है बेटा? 112 एक्स है, वैसे लिख दिया, और 49 में से 529 जाएगा तो माइनस का 480 बचेगा, ठीक है? इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला में सॉल्व कर सकते हो या फिर मिडल टर्म में सॉल्व कर सकते हो, तो इधर मिडल टर्म में इतनी बड़ी वैल्यू है सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ स्टूडेंट 16 की टेबल में 16 आता है, 16 को अगर मैं 7 दफ़ा पढ़ता हूँ तो 117 आता है, और 16 को अगर 30 दफ़ा पढ़ता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आता है? 480 आता है। तो 16 में क्या ले लूँगा? कॉमन ले लूँगा, जैसे कॉमन लूँगा 16 से 16 कटा तो एक्स का स्क्वायर, प्लस का निशान 16, 7 ज़ा 112, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 16 1 4 4 8 0, कितनी दफ़ा पढ़ने से आता है स्टूडेंट? 30 दफ़ा पढ़ने से आता है, 30 और इक्वल टू जीरो हो जाएगा बेटा, 16 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 30 इक्वल टू जीरो, क्योंकि 16 जीरो का जीरो ही होगा, ठीक है? अब बेटा मुझे इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लेना है, तो इसका मिडल टर्म ब्रेक लेना बहुत ही आसान तरीका क्या स्टूडेंट? 30 का एलसीएम ले लो, मैं यहाँ पे 30 का एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं 2 से करूँ तो 2 15 ज़ा 30 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, और 5 1 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट? 5 होता है, ठीक है? तो इसको मैंने इस तरीके से आपके सामने लिख दिया। अब ज़रा देखो, 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आता है? 2 5 ज़ा 10 आता है, ठीक है? और फिर 3 बचता है, अगर 3 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट? 7 बचेगा, ठीक है? अगर ये प्लस का 10 हो और माइनस का 3 हो तो मेरे पास प्लस का ही 7 बचेगा, तो मैं क्या लिखूँगा? प्लस का 10 और माइनस का 3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक में स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि मेरे पास पता क्या है, 7x को मिडिल टर्म ब्रेक में करना है तो माइनस का 3x और प्लस का 10x, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा लेकिन पॉजिटिव का बचेगा, और माइनस का 30 इक्वल टू 0 बेटा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अगर देखूँ तो दोनों में से कॉमन स्टूडेंट x आ रहा है तो क्या बचेगा? x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? प्लस का 10, तो क्या बचेगा? 10 से 10 कर रहा है और 10 3 ज़ा 30 होते हैं तो 0, तो मेरे पास x माइनस 3 और x प्लस 10 बच रहा है, ठीक है? तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया बराबर है 0 को, इसको बेटा आइडर एंड और ले लेंगे, तो मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह मौजूद है, ठीक है? तो मैं क्या लिखूँगा? x माइनस 3 बराबर है 0 के और x प्लस 10 बराबर है 0 के, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 3 आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 10 आ जाएगी, तो ये दो वैल्यू आएगी x की, माइनस 3 और माइनस प्लस का 3 और माइनस का 10। तो स्टूडेंट ये सवाल था जिसको हमने सॉल्व कर लिया, देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन था कितना आसान। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, और लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सवाल में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना हमारे पास स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है? सबसे पहले बताता हूँ कि आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है और एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 32 इक्वल टू 0 वैसे ही लिख देना है, ठीक है? ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमारे पास स्क्वायर वाली जो भी टर्म हो, कौन सी टर्म? स्क्वायर वाली। फिर से याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो स्टूडेंट, कि स्क्वायर वाली टर्म के आगे कोफिशियंट जो भी नंबर हो वो स्टूडेंट क्या हो? 1 हो। अगर 1 नहीं होगा तो उसको 1 बनाएंगे, ठीक है? अगर 1 नहीं होगा तो स्टूडेंट उसको 1 बनाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ स्क्वायर वाली टर्म को स्टूडेंट हम क्या करेंगे? स्क्वायर वाली टर्म को हम ये करेंगे कि इसके सामने 1 करेंगे, ठीक है? अब जरा मैं इस सवाल को देख रहा हूँ स्टूडेंट के मेरे पास यहाँ पे 1 मौजूद है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब क्या करेंगे स्टूडेंट? सेकेंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था क्या? आपको इसको अकेला करना था, यहाँ पे लिख देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है? सेकंड स्टेप ये कहता है स्टूडेंट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? सेकंड स्टेप ये कहता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड। तो लिख देना शिफ्ट 32
इनटू राइट हैंड साइड। आप क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, राइट साइड क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे x का स्क्वायर है, प्लस का 4x है, ये मेरे पास माइनस का 32 है ना, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको याद रहेगा कि करना क्या है। पहला स्टेप, सवाल को टालने के बाद देखना है कि एक्स के सामने जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर के सामने जो वैल्यू है स्टूडेंट वन होनी चाहिए, तो ये वन वैसी है। फिर जो भी कॉन्स्टेंट होगा, जो मतलब वेरिएबल के अलावा होगा, उसको इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दोगे। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू के बाद शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे करेंगे इसको क्या सॉल्व, थर्ड स्टेप की जानब जाएंगे। ठीक है, कौन से स्टेप की जानब जाएंगे, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप हमें ये कहता है स्टूडेंट कि जो भी एक्स वाली टर्म है, जो भी एक्स वाली टर्म है उसके बराबर में जो नंबर लिखा हुआ है तो उसको साइड में लिखो। मैंने क्या कर दिया, साइड में लिख दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, और इसका होल स्क्वायर ले लो। ठीक है, इसका क्या ले लो, होल स्क्वायर ले लो। फिर से बताता हूँ कि हमारे पास जो भी एक्स वाली टर्म होगी उसके बराबर में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसको बाहर लिखोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, और इसका होल स्क्वायर ले लोगे। बेटा 2 1 2 2 2 4, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 4 के बराबर होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास 2 का स्क्वायर आया था, तो अब क्या लिखोगे स्टूडेंट, जो मेरे पास वैल्यू आई थी, जैसे कि 2 का स्क्वायर आया था ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर जो है स्टूडेंट, इसको ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो लिखोगे एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं 2 के स्क्वायर को दोनों साइड, इक्वल टू से पहले भी और इक्वल टू के बाद भी। तो क्या लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, और बेटा प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है 32, और भी प्लस का 2 का स्क्वायर, मतलब इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद क्या करवा दिया, स्क्रून ऐड कर दिया। तो याद रखना, जब भी मेरे पास ये कंडीशन आ जाए ना ऐड करवाने के बाद, तो ये जो भी वैल्यू होती है ना, ये मेरे पास स्टूडेंट फार्मूला में क्लोज हो जाती है। कौन से फार्मूला में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अगर प्लस लगा हुआ है तो a प्लस बी, अगर माइनस लगा हुआ है तो a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं शो करूँगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो वो बराबर होगा स्टूडेंट किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर के। ठीक है, इसी के बराबर होगा ना। तो ज़रा मैं देख लेता हूँ ये वैल्यू आ भी रही कि नहीं आ रही। बेटा a का स्क्वायर मतलब x के ऊपर स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का निशान 2, a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट x, और b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 2। ठीक है, बराबर है 32 प्लस के 2 स्क्वायर। ये स्टेप को आप वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, निगलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 2 क्या होता है 4, और x, तो 4x हो रहा है, और 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 ही होता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म इसमें क्लोज हो सकती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्लोज हो सकती है। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म को मैं क्या कर दूंगा, फार्मूला में क्लोज कर दूंगा। कौन से, a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है बेटा x है, b की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 32 और 4 का स्क्वायर, 32 और 4 को अगर प्लस करते हैं तो क्या आता है, 36 आता है। तो मैंने क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड क्या ले लूँगा स्टूडेंट, रूट ले लूँगा, ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं क्या लगाऊंगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट, और 36 के ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, x प्लस 2, और 6 6 का कितना होता है स्टूडेंट, 36 होता है। तो प्लस माइनस में हमेशा रूट की वैल्यू आती है 36। बेटा इसको आइडर एंड और कर देंगे, मतलब x को एक दफ़ा, 6 को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो x प्लस 2 बराबर स्टूडेंट प्लस 6, और x प्लस 2 बराबर है माइनस 6। बेटा इसको उठा के उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू जो मेरे पास बन कर आ रही है स्टूडेंट क्या आ रही है, 4, जबकि दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का हमारे के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2, तो माइनस का 6 माइनस का 2 किसके बराबर होता है, माइनस के 8 के बराबर होता है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गए। सोल्यूशन सेट आपने कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है कि सोल्यूशन सेट जो है मेरे पास स्टूडेंट क्या है, 4, -8। तो ये मेरे पास पूरे सवाल का जवाब हो गया, आसान सा था। अगर आपको मुझे समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो स्टूडेंट। मैं अभी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी बताता हूँ ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको जो जो मैंने स्टेप बताया आपने सिर्फ वही स्टेप को फॉलो करना है, और आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट में यहीं पर सॉल्व करता हूँ, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इतना बड़ा पार्ट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 8x बराबर है 0 के। ठीक है,
मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, आपका पहला स्टेप ये होगा कि जो भी नंबर होगा उसके आगे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के आगे वन है, तो मेरा पहला स्टेप तो हो गया। मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स बराबर है जीरो के। अगर बाई चांस यहाँ पे टू लिखा हुआ आ जाए, थ्री लिखा हुआ आ जाए, तो आप उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, तो थ्री से थ्री क्या होगा कैंसिल आउट होगा, फिर एक्स क्या हो जाएगा अलहदा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि आपने क्या करना होता है कि जो भी कॉन्स्टेंट टर्म मतलब वेरिएबल के बाद वाली टर्म होती है उसको इक्वल टू के बाद ले जाओ। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं है, जब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मतलब जीरो है, उसको इक्वल टू के बाद लेके जाओगे तो भी जीरो रहेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड स्टेप भी खुद ब खुद हुआ है। थर्ड स्टेप में बताया था स्टूडेंट, जो भी मेरे पास एक्स के साथ वाला नंबर हो उसको किनारे में लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो वन ओवर टू और उसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा टू, फोर ज़ा एट, तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, फोर का स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, फोर का स्क्वायर। तो बेटा जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिंग फोर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड इसको ऐड करवा रहा हूँ। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस का फोर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ज़ीरो प्लस फोर स्क्वायर, तो मैं यही लिख दूंगा। ठीक है, दोनों जगह मैंने क्या कर दिया, फोर के स्क्वायर को ऐड करवा दिया। बेटा मुझे मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म क्या होती है, फार्मूला में क्लोज हो जाती है, प्लस लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा इसको अगर फार्मूला में क्लोज करना चाहूँ तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, एक्स होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, फोर होगी। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर याद रखना, फोर का स्क्वायर मत लिख देना, फोर सेफ होगी। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे फोर फोर से कितना होता है स्टूडेंट, सिक्सटीन होता है। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिखना और एक्स की पावर स्क्वायर बराबर है सिक्सटीन। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स प्लस फोर और बेटा सिक्सटीन किसका रूट होता है, प्लस माइनस फोर का। ठीक है, अब एड एंड ऑर कर लो कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बेटा एक्स प्लस फोर एक दफ़ा प्लस का फोर और एक्स प्लस फोर एक दफ़ा माइनस का फोर। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स फोर माइनस फोर, तो एक्स की वैल्यू एक जीरो आ गई। ठीक है, दूसरी बेटा क्या आ जाएगी, माइनस का फोर है, उधर जाके माइनस का फोर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस का एट। तो स्टूडेंट जो मेरे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो जीरो और माइनस एट बनेगा। देखा कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, सिंपल सा सवाल था इसके अंदर, क्योंकि दो वैल्यूज थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वैल्यू की जाने और मैं आपको उसको भी सॉल्व करके बताता हूँ कि वो किस तरह से सॉल्व हुआ, क्योंकि मुझे तो सारे सवाल आपको बताने हैं ना। तो चलो आज इसको थोड़ा सा यूँ कर सेट कर लेते हैं कैमरे को, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, सारी वैल्यूज सही से आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेज को रन कर लेता हूँ और मेरे पास जो पार्ट नंबर थ्री का सवाल है उसको क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो पार्ट नंबर थ्री मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और माइनस का नाइन इक्वल टू जीरो, ये फिर से वैसे सवाल आया, बड़ा सा है, तो इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा जो पहला स्टेप होता है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले सवाल उतारना होगा। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों सवाल को उतार देता हूँ। तो देखो कितने आसान तरीके से सवाल भी उतर गया। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, कि मेरे पास जो भी स्क्वायर वाइज टर्म हो उसके आगे वन हो, तो इसके आगे ऑलरेडी वन मेरे पास मौजूद है। ठीक है, फिर उसके थर्ड सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप या फिर सेकंड स्टेप समझ लो, ये जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होगा वो इक्वल टू के बाद जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है, तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू के बाद लेके जाऊँगा माइनस नाइन है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का नाइन हो जाएगा। फिर जो भी यहाँ पे x वाली वैल्यू होगी वो किनारे में लिखोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे वन ओवर टू से और इसका होल पावर ले लोगे, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, थ्री का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करवाओगे एडिंग थ्री का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड इसको ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टूडेंट ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू से पहले क्या आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर और यहाँ पे नाइन है, फिर ऐड क्या होगा, थ्री का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। स्टूडेंट मुझे मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, फार्मूला में क्लोज होता है, वो कौन सा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इसको क्लोज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, नाइन है और नाइन थ्री थ्री का नाइन, नाइन नाइन कितना होता है स्टूडेंट, एटीन होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, एटीन। मुझे स्क्वायर में चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो चलो आज इसका रूट ले लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा और 18 के ऊपर भी रूट लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट 18 की ना वैल्यू हमें अभी मालूम नहीं है, तो इस 18 की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसका कोई रूट होता नहीं, तो 18 का एलसीएम ले लो, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, तो
रूट वैसे ही लिखूंगा 2 × 3 × 3, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 3 बाहर निकल गया, अंदर 2 आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया और यही मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसको इक्वल टू के बाहर ले जाओ, तो प्लस में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 3√2, प्लस है तो वहाँ जाके माइनस का 3। तो ये मेरा क्या है स्टूडेंट आंसर है, जिसको हमने देखो कितने आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये तमाम मटेरियल्स मिल जाए, ठीक है। तो चलो आज आप इसका नेक्स्ट मतलब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ सवाल लिख करके, ताकि क्या हो जाए आपके पास वो मटेरियल आ जाए, ठीक है। तो सुन पार्ट नंबर 4 जो है मेरे पास वो मेरे पास है स्टूडेंट, आपको समझ में तो आ रहे हैं ना, अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। 3x² प्लस का 12x और प्लस का 8 = 0, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके स्टूडेंट क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट सोल्यूशन लिखूंगा, सवाल को वापसी उतारूंगा, तो 3x² प्लस 12x प्लस का 8 = 0। अब स्टूडेंट देखो सारे सवाल में उसमें x की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 3 है, और मुझे हमेशा सिंगल चाहिए क्योंकि इसको सिंगल रहना पसंद है, इसको डबल होने का शौक नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको सिंगल करना होगा एक्स के स्क्वायर को। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट कि अगर मुझे सिंगल करना, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड डिड 3 ऑन बोथ साइड। हम क्या करने जा रहे हैं 3 को डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x² तो यहाँ पे वैसे ही है, डिवाइड बाय क्या होगा 3, प्लस का 12x है डिवाइड बाय 3 होगा, ठीक है। उसी स्टूडेंट तरह से प्लस का मेरे पास 8 है डिवाइड बाय 3 होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, 3 से 3 स्टूडेंट कर दिया, इसको भी काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी। तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 4x और प्लस का ही 8/3 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ये 1 बन गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको इक्वल टू के बाद ले जाते हैं, तो मेरा क्या होगा x² प्लस का 4x इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस का 8/3, क्योंकि प्लस का था, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, जो भी बीच वाली टर्म है उसको साइड में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखोगे स्टूडेंट एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट याद रखना यही स्टेप को हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, और मुझे काम इसलिए करवा रहा हूँ आपको पूरा क्योंकि आपको सबके सॉल्यूशंस मिल जाएं। तो चलो आज इसको ऐड करवा देते हैं, तो x² प्लस 4x यहाँ पे इक्वल टू से पहले क्या आएगा बेटा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8/3 और यहाँ पे बेटा प्लस का क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, यह टर्म फार्मूला में क्लोज हो जाएगी हमेशा की तरह, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का 2ab और प्लस का b². लेकिन इसको फार्मूला में क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 8 और 3 प्लस का 4, 3 × 4 का कितना होता है स्टूडेंट 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ फिलहाल अभी, तो माइनस का 8 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 3, 8 में से 12 जाएगा स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या बचेगा अगर देखा जाए तो मेरे पास बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर बराबर है 4 बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 4 बच रहा है ना, 12 में से 8 जा रहा है, तो 4 बच रहा है यहाँ पे और 3 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोर्ड साइड, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको लिखना है, अगर आप नहीं लिखोगे तो पेपर में आपका नंबर क्या हो सकता है स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो x + 2 का होल स्क्वायर बराबर है किसके, 4/3, ये 4 है, मैं खुद लिखने के बाद खुद 9 समझ रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो x + 2 बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, और √3 वैसे उठ रहेगा और प्लस और माइनस में होगा, क्योंकि रूट की वैल्यू निकल चुकी है प्लस या माइनस में होगी। अब बेटा क्या करूँगा, इसको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। एक x + 2 बराबर है 2/√3, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 2√3 माइनस का 2, तो एक वैल्यू तो ये आ जाएगी प्लस इक्वल टू के जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा x + 2 माइनस का 2√3, तो बेटा प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा x = -2√3 माइनस का 2,
तो ये मेरे पास दो वैल्यूज आई है स्टूडेंट, जिसको आपको मैंने बोला है सॉल्व करने के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो आज इसका मतलब पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। देखो सारे स्टेप ना सेम ही है, किसी किस्म के कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना, अगर बुक में सिर्फ एक आंसर दिया हुआ है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो तरीके से लिखना है तो दो तरीके से भी स्टूडेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो अब 5 है। 5 में क्या है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 में x का स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले टर्म मेरे पास 1 है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। ये प्लस सेकंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, कि मेरे पास जो भी x वाली टर्म होती है उसका क्या लेते हो स्टूडेंट, उसका जो कोफिशियन होता है उसको लिखते हो, उसको डिवाइड कर देते हो 1/2 से। तो बेटा यहाँ पे कोफिशियन क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो 1 लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा कुछ भी कर लो तो मेरे पास ये आएगा 1/2 का होल स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्या करूंगा, एडिंग लिखूंगा यहाँ पे दोबारा से, एडिंग 1/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड इसको ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू से पहले भी और इक्वल टू के बाद भी। और एक काम करना मैं भूल गया, कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के बाद लेके जाना है, तो माइनस का 1 इक्वल टू के बाद जाके हो जाएगा, सही है। अब ऐड कर देना दोनों साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर बराबर है बेटा माइनस 1 फिर प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब स्टूडेंट मुझे मालूम है फॉर्मूला में क्लोज हो जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला में क्लोज कर लेते हैं, a प्लस बी तो मतलब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर है बेटा माइनस के 1 प्लस के 1 2 2 4, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा माइनस के 4 प्लस के 1, 4 1 4 और नीचे क्या आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर बच रहा है बेटा माइनस का 3/4। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किस तरीके से होता है ये भी सीख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट बोथ साइड अगर आप लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट और बेटा माइनस का 3/4 के ऊपर भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या बच रही है, x प्लस 1/2 और बेटा यहाँ पे माइनस का 3 है ना। अब याद रखना ये रूट माइनस का 3 रहेगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना माइनस का 3 को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसमें आयोटा लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ आयोटा। अगर बुक में आयोटा गिवन है तो सही है, अगर नहीं गिवन है सिर्फ माइनस ही लिखा हुआ है तो वो भी आंसर सही है और स्टूडेंट ये वाला आंसर भी ठीक है, ठीक है। तो मैंने माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया। अब इसको भी उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स बराबर है अंडर रूट 3 आयोटा प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी 2। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो एक बार लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्स बराबर स्टूडेंट किसके 3 आयोटा माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगर इसको प्लस माइनस करके लिखना है तो ये प्लस माइनस करके भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। अगर माइनस करके आंसर दिया हुआ बुक में तो आयोटा हटा के माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये रूट में माइनस अच्छा नहीं लगता, तभी मैंने इसको क्या करा स्टूडेंट इस फॉर्म में लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आ जाए इसका, अब मेरे पास लास्ट पार्ट है आई थिंक सो पार्ट नंबर 6, उसको देखते हैं कि क्या मेरे पास सवाल बन करके आ रहा है। इसमें वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिस स्टेप को अब तक हमने क्या किया स्टूडेंट फॉलो किया है, ठीक है। चलो आज इसको देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। आप देखते हैं इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट। चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 4x का स्क्वायर माइनस का क्या हो रहा है स्टूडेंट 8x माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट फार्मूला में ओपन कर लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, डिवाइड करना होगा। क्या लिखूंगा, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 4 को, तो 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इसी के आगे हमारे पास क्या होगा बेटा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0 और 0 भी डिवाइडेड बाय 4 होगा तो आंसर वही आना है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बेटा 4 1 4 4 2 8, तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको इक्वल टू के बाद लेके चले आते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस का 2x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5/4 बेटा। अब ये जो 2 भी x वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशियन होगा तो वो यहाँ लिखूंगा माइनस का 2 लिखा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1/2
2 और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट होल स्क्वायर। 2 से 2 कटा तो मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या बचा माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, मैं दोनों जगह क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट 1 को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट जो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको ऐसे लिखा है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 यहाँ पे लिख दिया, फिर 5 लिखा हुआ है स्टूडेंट, 4 लिखा हुआ और फिर प्लस का 1 है। ये फॉर्मूला में क्लोज होगा, लेकिन इस दफ़ा जो फॉर्मूला लगेगा ना स्टूडेंट माइनस वाला लगेगा, कौन सा लगेगा माइनस, यहाँ लिखूंगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, अगर इसको फॉर्मूला में क्लोज करना चाहूँ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है, और इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 5 प्लस 4 और नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 9/4। आप क्या करोगे स्टूडेंट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, वही काम कर रहे हैं जो हम अभी सीख चुके थे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड रूट लगाना है बेटा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट, 9/4 के ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा बेटा x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 9 का रूट क्या होता है मेरे पास 3 होता है। ठीक है, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो प्लस और माइनस में, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दो और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स का मैं आइडर एंड और कर लेता हूँ कि x माइनस 1 एक दफ़ा बराबर है किसके स्टूडेंट 3 प्लस 2 के, और x माइनस 1 एक दफ़ा बराबर है स्टूडेंट माइनस के 3/2 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो x बराबर है बेटा 3/2 माइनस है तो प्लस का 1, यहाँ पे x बराबर है माइनस का 3/2 माइनस है तो प्लस का 1। ठीक है, दोनों जगह प्लस का ही 1 हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा बेटा 3 2 1 2/2, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट 5/2, तो पहली वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू को भी देख लेते हैं कि x बराबर है माइनस का 3, ये जगह मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2, और 3 में से 2 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। ये दो वैल्यूज़ आएगी x की जो कि मैंने आपको दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। चलो आ जाओ आप इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, ये भी बहुत आसान से सवाल लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लो, जो भी वेरिएबल लिखा हुआ था उसको लिखते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है स्टूडेंट, इसके अंदर मुझे a b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास जो ना क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो ये जो एक्स के साथ वाली जो टर्म होती है ना वो वैल्यू होती है स्टूडेंट ए की, सिर्फ x के साथ वाली जो टर्म होती है वो होती है मेरे पास b की, और जो भी कांस्टेंट टर्म होता है विदाउट वेरिएबल के वो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, वो मेरे पास होता है कांस्टेंट। जैसे कि अगर 2x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट इसमें a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी 4, c की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपने बेटा सोल्यूशन लिखना है और x का स्क्वायर माइनस 9 सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है, लिख दिया। अब इसमें देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है लेकिन बीच में क्या गायब है, बी एक्स गायब है। ठीक है, मतलब बी एक्स मतलब मतलब कोई भी वैल्यू हो वो x वाली वैल्यू नहीं है, जो चीज़ गायब होता है उसका मतलब वो क्या होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो इसमें यहाँ पे लिखोगे हेयर, ए की वैल्यू क्या होती है जो भी स्क्वायर वाली टर्म होती है वो होती है, तो मेरे पास क्या है बेटा 1 है क्योंकि इसके आगे 1 छुपा हुआ है। फिर उसके बेटा बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बी मौजूद ही नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, जबकि सी की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस का 9, तो मैंने क्या लिख दिया माइनस का 9 लिख दिया। अब बेटा मुझे क्या लिखाना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देख रहे हो कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना। ठीक है, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने अभी बताया था, जो भी वेरिएबल लिखोगे वो लिखोगे, माइनस का बी लिखोगे, प्लस माइनस लिखोगे, रूट लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई क्या होता है स्टूडेंट 2a होता है, मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट गौर से देखना, यहाँ पे x वैसे लिखा बेटा माइनस का b, माइनस वैसे लिखा, b की वैल्यू क्या बेटा 0, तो मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगाया, अंडर रूट लगाया, b की वैल्यू क्या बेटा 0, फिर माइनस का निशान 4, a की वैल्यू क्या बेटा a की वैल्यू 1 है, जबकि c की वैल्यू क्या माइनस का 9, तो मैंने माइनस का 9 लिख दिया। नीचे बेटा 2 है और a की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट x बराबर है 0 तो हट गया, तो प्लस माइनस हो गया ये बेटा, ये भी 0 हट गया,
माइनस माइनस प्लस, फोर नाइन से मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, अगर फोर को नाइन दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू वन ज़ा टू होता है बेटा, 36 का रूट निकालोगे तो 6 ज़ा 36 होता है, तो प्लस माइनस 6 और नीचे 2, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा 6, ठीक है। तो बेटा मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, प्लस माइनस 3, दैट्स मीन कि x बराबर एक दफ़ा प्लस का 3 और x बराबर एक दफ़ा माइनस का 3, दोनों वैल्यू है। तो स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट मेरे पास किसके बराबर आया है स्टूडेंट, पहले मैं प्लस का 3 लिख देता हूँ और फिर माइनस का 3 लिख देता हूँ, जैसे आई थी वैल्यू दो मैंने वैसे लिख दिया। अगर माइनस का 3 और प्लस का 3 लिखोगे तो भी गलत नहीं है, वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर से लिख दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, इसका सवाल कौन सा है वो भी देख लेते हैं। इस वक्त मेरे पास जो सवाल है वो मेरे पास कुछ ये है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टूडेंट सवाल है वो मेरे पास कुछ ये है, आई थिंक सो बुक खोल लूँ, मेरे पास खुल जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने खोल लिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा मेरे पास पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 वैल्यू बेटा 2x का स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल वापसी उठा दो, 2x का स्क्वायर 5x प्लस का 1 इक्वल टू 0 और इम्प्लाइज जेड का निशान। बेटा यहाँ पे हेयर लिखता हूँ और यहाँ बताता हूँ कि a की वैल्यू स्क्वायर से पहले वाली टर्म 2, b की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगा 5 और c की वैल्यू इस दफ़ा क्या होगा 1। फार्मूला होता है स्टूडेंट के x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट इसको रट्टा लगा लो, इसको याद कर लो, फार्मूला हमेशा यूज़ होगा ज़िंदगी में। तो x बराबर है माइनस लिखा मैंने, फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या बेटा 5, मैंने 5 लिख दिया, प्लस माइनस लिखा, रूट लगाया, b की वैल्यू क्या बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या बेटा 2 जबकि c की वैल्यू क्या है 1। तो मैंने इसको इस तरह से आपके सामने लिख करके दिखा दिया, नीचे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे a होता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। तो माइनस का 5 वैसे लिखा, प्लस माइनस वैसे लिखा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 2 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में से अगर 8 जाएगा तो स्टूडेंट मेरे पास 17 बचेगा, 17 और नीचे क्या आ जाएगा 4। बेटा ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करके इसको सोल्यूशन सेट बना सकते हो, ठीक है। कि ऐसे माइनस का 5 प्लस का अंडर रूट 7 ओवर 14 और एक देखोगे माइनस का 5 माइनस का अंडर रूट 17 ओवर 4। तो ये मेरे पास जो है ये वाले पार्ट का भी सवाल का जवाब हो गया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं सॉल्व और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश है स्टूडेंट कि मैं आपको बेस्ट तरीके से बेस्ट सॉल्व करके दूँ, ठीक है। चलो आज इसको कर लेते हैं, मैं अपने पास सवाल खोल लेता हूँ ताकि मेरे पास उसका जवाब मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये सवाल है, ठीक है, आपने इसका स्क्रीन शॉट तो ले लिया होगा। तो मेरे पास स्टूडेंट अब जो सवाल है वो मेरे पास है पार्ट नंबर कौन सा 3, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 बोलता है कि x का स्क्वायर माइनस 23 x माइनस का 24 बराबर है 0 के। तो हेयर लिखना है स्टूडेंट, सवाल को वापसी उतार लेना, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, b की वैल्यू बेटा साइन भी देखना, माइनस का 23 है तो माइनस का 23 लिखूंगा, बच्चे नहीं लिखते हैं आप लिखना है लाजमी, माइनस का 23 जबकि c की वैल्यू है माइनस का 24 तो माइनस का 24 लिख दिया। फार्मूला होता है स्टूडेंट के माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको लिखने में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, देखते हैं माइनस का b लिखा हुआ है और b की वैल्यू माइनस 23 है तो वो क्या करते हैं माइनस का सिर्फ 23 लिख देते हैं, गलत। फार्मूला का माइनस ऐसे ही लिखोगे और जो b की वैल्यू लिखी हुई माइनस का 23 उसको ऐसे लिखोगे, अंदर लिखोगे, याद रखना हमेशा, ठीक है। प्लस माइनस लगाया, रूट लगा दिया, b का स्क्वायर मतलब माइनस 23 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू बेटा 1 है, c की वैल्यू बेटा माइनस का 24 है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 है। तो इसको मैंने आपके सामने लिखा, x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अगर 23 का स्टूडेंट स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा मेरे पास 529 आएगा, ठीक है। और बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 वन का 4 और 4 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 96 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया कि अगर 4 मल्टीप्लाई होता है 24 से तो 96 आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है ये भी देख लेते हैं कि x बराबर है 23 प्लस माइनस अंडर रूट मेरे पास क्या आ जाएगा 625 और डिवाइडेड बाय 2 हो गया स्टूडेंट। 625 का जो रूट होता है ना स्टूडेंट वो क्या होता है, वो मेरे पास 25 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 प्लस माइनस
25 रूट और नीचे क्या आ जाएगा 2। इसको आइडर एंड और कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है बेटा। तो x बराबर है 23 प्लस का 25 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर है 23 माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 2। जो दोनों उन्होंने को प्लस करोगे तो इसमें मेरे पास आएगा 48 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 2 4 8। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 24 आ गई, ठीक है पॉजिटिव में। और इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों कैंसिल आउट हुई तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो मेरे पास एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1 आ गया और यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट सोल्यूशन सेट होगा। आप इसको लिख लेना। चलो आज इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। याद रखना पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है एज अ मैट्रिक स्टूडेंट, लेकिन ये भी क्या होगा स्टूडेंट बहुत ही आसान होगा और हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट नंबर मेरे पास क्या है स्टूडेंट 4 है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 में मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है x x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो मतलब दोनों में होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो आप रूट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लगाओ, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करो और अंदर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या फिर फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं बेटा सवाल को वापसी उतारता हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे स्क्वायर हटाना है तो लिख देता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड जा क्या लगा देता हूँ स्टूडेंट रूट लगा देता हूँ। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो x प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1। बेटा इसको उठा करके क्या करते हैं इक्वल टू के बात ले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या होगा स्टूडेंट फिर मेरे पास ये हो जाएगा कि x और ये वहाँ चले जाएगा तो 2x माइनस का x, ठीक है। और ये बेटा मेरे पास माइनस का 1 है, यहाँ जाके माइनस का ही 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट x और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको उठा के उधर ले जाओगे तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। एक x की वैल्यू 2 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू जाहिर सी बात है कोई वैल्यू है नहीं तो वो 0 के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको बताया इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से। अब लॉन्ग कट ट्रिक देख लेते हैं कि फार्मूला लगा के सॉल्व करके देख लेते हैं। मैं दोनों ही तरीका आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा शॉर्टकट ट्रिक अगर MCQs में सॉल्व करना हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा अगर मुझे क्या करना हो फार्मूला के अकॉर्डिंग करना हो तो मेरे पास क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना होता है तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसको बेटा ए प्लस बी में सॉल्व करते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए की वैल्यू बेटा एक्स है और ये 1 है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है सिर्फ और सिर्फ। और प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। माइनस का निशान लगाऊंगा फिर 2 लिखूंगा, x की वैल्यू क्या बेटा 2x है तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और आखिरी में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली कर लिया था तो मेरे पास क्या हो रहा है बेटा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का 2 2 4 x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो बेटा माइनस का 4x और माइनस का ही 2x, ये इधर प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस का 1 है यहाँ पे और ये आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हुई तो बेटा 4 में से x गया तो कितना बचा 3x का स्क्वायर और इन दोनों को माइनस करोगे तो 6x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग करना है तो मेरे पास a की वैल्यू स्टूडेंट 3 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी, जबकि c की वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं तो इसको 0 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे कि बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो बेटा क्या लिखूंगा x बराबर है माइनस का b की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस बाहर एक माइनस अंदर, फिर प्लस माइनस रूट लगा दूंगा, फिर क्या लिखूंगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू क्या बेटा 3 है और c की वैल्यू 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिखूंगा और a की वैल्यू 3 लिख दूंगा, ठीक है। ये भी मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा बेटा, ये 08 टर्म लिखने का कोई फायदा नहीं और नीचे क्या 2 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने इस तरीके से लिख दिया बेटा। 6 6 मेरे पास क्या होता है 36 होता है, ठीक है। तो मेरे पास रूट जो है वो क्या निकल जाएगा 6 प्लस माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 6,
अब इसका आइडर एंड ऑर करेंगे बेटा, मैं इसको ना यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आइडर एंड ऑर कैसे करते हैं कि एक्स बराबर है बेटा 6 + 6 / 6, ठीक है। एक तो ये मेरे पास है और दूसरा क्या होगा, x बराबर है 6 - 6 / 6, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 6 1 6 6 2 12, ये क्या हो जाएगा 6 - 6 = 0, तो 0 आएगी वैल्यू एक x की और यहाँ पे एक x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो मेरे पास सेम वही आई है, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू जो दूसरी नहीं थी वो 0 ही होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 हो गया। तो इसको इस तरह से भी शॉर्टकट ट्रिक और लॉन्ग कट ट्रिक दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों इसलिए बता दिया ताकि क्या हो जाए आपको ना सारे स्टेप्स पता चल जाए, ताकि क्या हो सके आपका आंसर बेस्ट तरीके से आ जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने, पार्ट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर हमारे पास 5। तो पार्ट नंबर 5 हम देखते हैं, यहाँ पे मैं इस पेजेस को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे खोल लिया था ये काम, तो देन यहाँ पे मैं आ गया हूँ एंड देन ये रंगा पेज यहाँ पे खाली है, ठीक है। बेटा मेरे पास क्या है, पार्ट नंबर जो 5 है, तो पार्ट नंबर 5 जो है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 / 2 बराबर है स्टूडेंट किसके, सॉरी यहाँ पे माइनस है जो कि किसके है बेटा, x + 2 / 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका कि इसका एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेटा सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल वापस उतार लेना, मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x + 1, ये 2 पे इधर मल्टीप्लाई, 2 लिखूंगा, x लिखूंगा, फिर x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास नीचे वाली टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 × 3 किसके बराबर होता है 6 के, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 3x + 3, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x, तो 2x² प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 / 6 इक्वल टू 0। बेटा ये टर्म डिवाइड हो रहा है, वहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2x² है ना, तो माइनस का 2x² पहले लिखता हूँ, और बेटा क्या करूँगा, प्लस का 3 है माइनस का 3 है और यहाँ पे 3x है प्लस का, तो 3x प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इस टर्म मेरे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 4 - 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। इस वाली टर्म को मैंने आपको ऐसे लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मेरे पास ना बहुत अहम चीज़ है, ठीक है, क्या करना होगा। अब ज़रा एक चीज़ देख लो, यहाँ पे ये 3x था, ये भी मल्टीप्लाई हुआ था, ये 4x है, ठीक है, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट x बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है, ठीक है। मैंने कोई गलती कर दी, 3x हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, 2x + 2x² हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x + 4x हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2x हो गया स्टूडेंट, और प्लस का मेरे पास 3 है, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, ऐसे दी, देखो ये स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में, तो मैं इसको कर देता हूँ, तो माइनस का 4x प्लस का 3x, तो मेरे पास बेसिकली क्या होगा, माइनस का x होगा, ठीक है। ये माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x² वैसे लिख दिया और आखिरी में 3 लिख दिया, ठीक है, और इक्वल टू 0, क्योंकि 6 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया बेटा, इसको पॉजिटिव बनाना है, स्क्वायर वाली टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x² हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये भी प्लस का x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 हो जाएगा, या फिर माइनस कॉमन ले लो, बात एक ही है, ठीक है, इक्वल टू के बाद ले जाओ या इक्वल क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये जाके डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x² प्लस x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1, और c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 3, ठीक है। फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बेटा मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस माइनस लिखा, रू लिखा 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू बेटा 2 है, b c की वैल्यू क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई 2 और 2, ठीक है, क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 लिख दिया। अब बेटा इसका ना जवाब तुम लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है, ताकि पता हो सके कि आप इसको सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर इसका आंसर मेरे पास क्या बन करके आया है, ठीक है। जब तक मैं आपको पार्ट नंबर कौन सा करवाता हूँ, 6 करवाता हूँ, जो कि इस सवाल का क्या होगा स्टूडेंट, लास्ट पार्ट होगा। तो चलो आगे इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, और ये पूरा एक्सरसाइज हमने क्या कर लिया आज की वीडियो में कम्प्लीट कर लिया, ठीक है। लास्ट नंबर वाला जो सवाल है उसमें शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज पेश आ सकती है, लेकिन ये आसान है, x माइनस 2 है बेटा,
एक्स माइनस सिक्स है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, टू एक्स प्लस का वन है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो देख लो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आंसर आ जाए, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने आपको बताया था, पहली वाली वैल्यू लिखो और ये वाली वैल्यू को सेम टू सेम लिख दो, दूसरी वैल्यू लिखो फिर इसके बाद क्या कर दो, ये वाली वैल्यू को सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पे वही काम करो कि 2x लिखो, दूसरी वैल्यू को पूरी वैल्यू लिख दो, फिर प्लस का 1 है और दूसरी वैल्यू को स्टूडेंट क्या करो, पूरी वैल्यू लिख दो। तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लाई अगर करना चाहूँ तो मेरे पास जो है स्टूडेंट वो आ जाएगा एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ज़ा सिक्स एक्स, ठीक है। माइनस टू ज़ा माइनस का टू एक्स, माइनस माइनस प्लस का टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू एक्स ज़ा टू एक्स का स्क्वायर, टू वन ज़ा क्या हो जाएगा टू एक्स, वन एक्स ज़ा प्लस का एक्स और वन वन ज़ा वन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको सामने लिख करके दिखा दिया। अब इस तमाम को इधर लेकर आऊँगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू है टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ज़रा गौर से देखो, टू एक्स का स्क्वायर लिखा, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का सिक्स एक्स, माइनस का टू एक्स, माइनस का एट एक्स होता है, इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का एट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टू एक्स है और यहाँ पे प्लस का एट एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ट्वेल्व है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो गौर से देखना कि यहाँ पे टू एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, एक एक्स भी लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का वन है, ये इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इसको माइनस करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस का निशान, एट प्लस टू कितना होता है टेन, और टेन प्लस वन कितना होता है अलेवन एक्स होता है, और बारह में से वन जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, माइनस का मेरे पास एक मिनट रुको, ये माइनस का एट होता तो इसको मैंने इक्वल टू के बाद लेके तो प्लस का एट हो गया, और ये मेरे पास वन माइनस टू तो माइनस का स्टूडेंट क्या बच रहा है, अलेवन बच रहा है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब हमारे पास क्या होगा, जब मैंने इस वैल्यू को लिख दिया तो बेटा मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है वन, बी की वैल्यू क्या आ रही है अलेवन, और सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा माइनस का अलेवन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को लिखेंगे और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू बन करके स्टूडेंट आ रही है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो मेरे पास बेटा फार्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो बेटा यहाँ पे लिखूंगा एक्स बराबर है माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अलेवन आ जाएगा, फिर प्लस माइनस से फिर मैं क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा, बी की जगह मतलब 11 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फोर, ए की वैल्यू बेटा क्या है 1 है, जबकि सी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 11 है, तो मैंने क्या लिख दिया माइनस का 11 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू दोबारा से 1 ही है, ठीक है। तो सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 11 प्लस माइनस रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 121, तो 121 लिख दूंगा, माइनस माइनस रूट प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 11 से कितना होता है 44 होता है ना, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट 11 से तो जाहिर सी बात है 44 आएगा, ठीक है। तो 44 आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, तो 121 और 44 किसके बराबर होता है, 121 प्लस का 44, तो मेरे पास बराबर था 165 के। तो मेरे पास x की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 ना, 165, तो क्या लिख लूँगा 165 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 165 किसी का रूट होता है क्या नहीं होता है देख लेते हैं, तो 165 लिखता हूँ, ये बेटा किसी का रूट नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको चाहो तो स्टूडेंट एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर 165 है इसको डिवाइड कर दूँ 5 से तो मेरे पास 33 आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं 33 आ रहे हैं, मैं 33 की टेबल से मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा वैसे नहीं होगा 33 और 5 तो 165 ही आना होगा। तो इसमें मेरा जो आंसर होगा वो यही होगा, माइनस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 ओवर 2, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास तमाम मटेरियल्स एक जगह आ जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस में दे सकूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।